हेलो स्कॉलर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश कन्फ्लुएंस। दिस इज मिस्टर सीएल गौतम। स्कॉलर्स, आज हम टेंथ क्लास के सेकंड पोएम पढ़ने वाले हैं जो फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ है। तो आइए पोएम से पहले थोड़ा सा इसकी जानकारी ले लेते हैं। फायर एंड आइस इज ए शॉर्ट पोएम ऑफ 9 लाइन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस कविता का उद्देश्य यह है कि मनुष्य को इस धरती पर प्यार से रहना चाहिए, ईर्ष्या, नफरत व असीमित इच्छाओं से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर इस पोएम में पोएट फायर को मनुष्य की डिजायर से कंपेयर करता है तथा आइस को मनुष्य के हेट यानी नफरत से कंपेयर करता है। तो आइए अब पोएम की तरफ चलते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ कहते हैं कि इस धरती का अंत आग से होगा यानी मनुष्य की इच्छाओं से होगा, और कुछ का विश्वास है कि इस धरती का अंत यानी विनाश बर्फ से होगा यानी मनुष्य की नफरत से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट कहता है कि जहाँ तक मेरा विचार है, मैंने डिजायर यानी मनुष्य की इच्छाओं को समझा है। संसार का अंत आग से होगा, परंतु कभी उनका समर्थन करता है जो मानते हैं कि संसार का अंत आग से होगा। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। पेरिश नष्ट होना। पोएट कहता है परंतु अगर इस धरती को दो बार नष्ट होना पड़ा तो मैं सोचता हूँ कि मैं नफरत को पर्याप्त जानता हूँ। टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। डिस्ट्रक्शन तबाही, संसार की तबाही के लिए बर्फ यानी नफरत ही काफ़ी है, नफरत ही ग्रेट है, सफाई सफिशियंट। सो स्कॉलर्स, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। सो आइए इसकी पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। इसकी सबसे पहले राइमिंग स्कीम देखते हैं क्या है इसमें। सो देखिए, लास्ट में जैसे फायर, उसके आगे हमने लिखा हुआ राइमिंग स्कीम, जिसकी जो राइमिंग मिल रही है, फायर के आगे ए लिखा है, फिर डिजायर इसके आगे भी ए है, फिर फायर उसके आगे भी ए है, और कौन सी लाइन मिलती है, ठीक है, फिर इसके बाद आइस के आगे बी लिखा हुआ है, फिर ट्वाइस के आगे भी लिखा हुआ है, फिर आइस के आगे बी लिखा हुआ है, फिर सफाइस, ए बी बी हो गया। फिर इससे हट करके हेट और ग्रेट, तो स्कॉलर्स सबके आगे लिखा हुआ है, तो नीचे मिला करके इसकी जो राइमिंग स्कीम होगी ए बी ए ए बी सी बी सी बी। तो स्कॉलर्स के बाद हम देखते हैं इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा इस्तेमाल किया गया। एलिट्रेशन, एलिट्रेशन आप जानते ही हैं, जिसका जो अल्फ़ाबेट लेटर सेम हो, जैसे वर्ल्ड विल डब्लू डब्लू लेटर, फिर सम से एस एस, फिर फेवर फायर एफ एफ, इस तरीके से आप देखते हैं ये एलिट्रेशन होता है। एंड नेक्स्ट असोनेंस, इसमें जो रेपिटेशन ऑफ वावेल, जब वावेल का रेपिटेशन होता है बार बार, जैसे इसमें आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसमें होल्ड में ओ, दोज में ओ, हु में ओ, फेवर में ओ, तो ओ ओ का जो है वावेल रेपिटेशन हुआ, इसलिए असोनेंस हुआ। एनाफोरा, रेपिटेशन ऑफ इनिशियल वर्ड्स, जैसे इसमें सम से और फिर दूसरी लाइन में भी सम से, तो ये उसको जो वर्ड है बार बार रिपीट होता है इनिशियल में, तो वह जो है एनाफोरा होता है। इसके बाद पर्सोनिफिकेशन, इसमें स्कॉलर्स जो आइस एंड फायर है इसको पर्सोनिफाई किया गया है। सो इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट क्या होता है, ए लॉन्ग सेंटेंस और पैरा विदाउट कॉमा और पंक्चुएशन। तो इसमें आप देखिए, तो जैसे स्टार्टिंग से लिखा हुआ फायर, सम से इन आइस, इसके बीच में कोई आपको कॉमा पंक्चुएशन ये सब नहीं मिला हुआ, लॉन्ग सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप है। फिर आप देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, फिर लास्ट में फुल स्टॉप दिया हुआ। इसी तरीके से यहाँ देखिए, ट्वाइस हेट, फिर लास्ट में आइस के साथ फुल स्टॉप है। तो जब काफ़ी लंबे सेंटेंस के बाद या लॉन्ग पैरा के बाद लास्ट में फुल स्टॉप आता है, तो वही इंजॉयमेंट होता है। तो स्कॉलर्स, आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। सो थैंक यू वेरी मच।